नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो गए, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो सिस्टम है दोस्तों, वो चल रहा है। अभी तक हमने ओबीजी, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, आई और ईयर है दोस्तों, उसको कंप्लीट कर लिया है। और आज हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम की दोस्तों ये सेकंड लास्ट क्लास है। मतलब अगली क्लास के अंदर जितने भी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के दोस्तों, वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने है, वो है एक क्लाइंट विद अल्सरेटिव कोलाइटिस हैज एक्सपीरियंस्ड फ्रीक्वेंट सीवियर एक्जर्बेशन ओवर द पास्ट सेवरल इयर्स। एक क्लाइंट है दोस्तों, किस चीज का है, वो अल्सरेटिव कोलाइटिस का है। मतलब कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, दो होती है, क्रोन्स डिजीज होता है, एक क्या होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। क्रोन्स डिजीज के अंदर माउथ वेनस कहीं भी क्या कर सकता है दोस्तों, इन्फ्लामेशन कर सकता है, जबकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये मेनली इफेक्ट करता है, किसको मेनली इफेक्ट करता है, ये कोलोन एंड रेक्टम को। तो अल्सरेटिव जो कोलाइटिस है दोस्तों, हैज एक्सपीरियंस्ड, उस जो क्लाइंट को कई बार सीवियर एग्जर्बेशन आ चुके हैं। एग्जर्बेशन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, कि इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट है ना, उसको कई बार फ्रीक्वेंटली सिम्टम्स आएंगे और कुछ समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल नहीं आएगा। तो जब सिम्टम्स आने का जो टाइम होता है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, एग्जर्बेशन के नाम से जानते हैं। और जिस टाइम पे सिम्टम्स नहीं आते हैं, उसे हम रेमिशन के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं, रेमिशन के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्लाइंट अल्सरेटिव कोलाइटिस का, इसको कई बार फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार आते रहते हैं, क्या सीवियर सिम्टम्स आते हैं, किसके एग्जर्बेशन होते हैं, मतलब सीवियर सिम्टम्स आते हैं ओवर द पास्ट सेवरल इयर्स। इस लाइन को देखना, इस सेंटेंस को देखना, पास्ट सेवरल इयर्स मतलब कई सालों से आता रहा है। मतलब कि ये डिजीज जो है दोस्तों, उसको कई सालों से है, क्योंकि ये हमारे काम आएगी, जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे जो आंसर है उसको निकालने के लिए। द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद इंटेंस पेन, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों पेन प्रेजेंट होता है, सीवियर डायरिया होता है, डायरिया है, उसके अकॉर्डिंग अल्सरेटिव कोलाइटिस को हम चार भागों में बांटते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड फुलमिनेंट। अगर चार से कम है तो माइल्ड है, छह से कम है तो मॉडरेट है, अगर दस से कम है तो ये सीवियर है, और अगर दस से ज्यादा है तो फुलमिनेंट है। एंड कैकेक्सिया, कैकेक्सिया का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे जो क्लाइंट है उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, तो वेट लॉस होने लग जाता है, तो ऐसी जो कंडीशन है उसे हम किस नाम से जानेंगे, कैकेक्सिया के नाम से जानेंगे। मसल्स की वेस्टिंग होना, मसल्स कमजोर होना, क्लाइंट का वीक होना, वीकनेस आ जाना, फटीग आ जाना, तो ये सब दीज आर इंक्लूडेड इन कैकेक्सिया। तो ये जो क्लाइंट है दोस्तों, क्लाइंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, पहले से उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है और कई सालों से उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, बार बार उसको सिम्टम्स आते रहते हैं, क्लाइंट को इस समय पेन आया है, सीवियर डायरिया हुआ है एंड कैकेक्सिया हुआ है। विच थेरापीटिक कोर्स शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू एक्सप्लोर विद दिस क्लाइंट। आपको क्या लगता है कि जो इतनी कई सालों से जिस पर्सन को दोस्तों डिजीज है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, उसके अंदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है ना दोस्तों, क्या करेगा, इनमें से क्या चीजें देगा। पहला जो ऑप्शन है वो बता रहा है आपको कि इंटेंसिव साइकोथेरेपी देगा। देखो, कई सालों से डिजीज है, साइकोथेरेपी दी जा सकती है, साइकोथेरेपी विल ओनली हेल्प इन कोपिंग विद डिजीज। मतलब उसको डिजीज हो रही है, उसके साथ कोप करने में उसको हेल्प कर सकता है, कि भाई जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो दूर नहीं होंगी, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई वो डिजीज है, साइकोथेरेपी देने से ही क्या हो गई, ट्रीट हो गई और उसका अल्सरेटिव कोलाइटिस खत्म हो जाएगा, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो ये सिर्फ क्या कर सकता है दोस्तों, उसको हेल्प कर सकता है कोपिंग विद डिजीज, हेल्प इन कोपिंग विद डिजीज, लेकिन डिजीज को ट्रीट नहीं कर सकता, कोपिंग विद डिजीज बट कैन नॉट ट्रीट द डिजीज, बट कैंट ट्रीट द डिजीज, द डिजीज। दूसरा और जो फोर्थ ऑप्शन, वो क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कंटिन्यूड करेंगे मेडिकल थेरेपी को, और फोर्थ जो ऑप्शन है दोस्तों, वो बता रहे कि डाइट थेरेपी देंगे हम उसको, लो रेजिड्यू हाई प्रोटीन डाइट। बिल्कुल सही है, डाइट दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो क्लाइंट है ना दोस्तों, सोचो कि पास्ट सेवरल ईयर से हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उस क्लाइंट ने, ये माना जाता है कि इस क्लाइंट ने दोस्तों कई सालों से क्या लिया है, ट्रीटमेंट लिया है, मतलब उसने मेडिकल थेरेपी भी ली है और जो डाइट है वो थेरेपी भी ली होगी, तो ये दोनों थेरेपी उसने ली है, तभी इसने ये जो सेंटेंस इसको लिखा है पास्ट सेवरल ईयर्स को। तो प्रोबेबली उस क्लाइंट ने क्या किया होगा कि मेडिकल थेरेपी ली होगी, डाइट थेरेपी ली होगी, ये इसके ट्रीटमेंट है, ये बात सही है कि मेडिकल थेरेपी भी यूज की जाती है, सर्जरी जो थेरेपी है वो लास्ट ट्रीटमेंट होता है। जब जो क्लाइंट जो है दोस्तों सर्जिकल थेरेपी में, मतलब क्या करते हैं हम, प्रोक्टोकोलेक्टोमी जो इसकी सर्जरी है वो दोस्तों की जाती है, जो रेक्टम है और जो कोलोन है उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, मेनली जो सर्जरी है इसका नाम है प्रोक्टोकोलेक्टोमी, प्रोक्टोकोलेक्टोमी, या फिर ये नहीं लिखा आएगा ऑप्शन में तो आपको कोलेक्टोमी लिखा हुआ आएगा, अगर ये नहीं आ रहा तो कोलेक्टोमी डायरेक्ट लिखा आएगा, जो कोलोन है उसको कट किया जाता है क्योंकि वहां पर अल्सर है। अब आप एक बात बताओ दोस्तों कि सर्जिकल थेरेपी जो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेनली क्रोन्स जो डिजीज है, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर, उसके अंदर प्रेफर नहीं की जाती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ये करते हैं।
कुछ केसेस हो सकते हैं ऐसे कि क्रोन्स डिजीज में करें, लेकिन मेनली क्रोन्स डिजीज के अंदर ये प्रेफर नहीं की जाती। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी अगर मेडिकल ट्रीटमेंट काम कर रहा है तो सर्जिकल ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो चुका है दोस्तों, फेल हो चुका है, मेडिकल ट्रीटमेंट हैज बीन फेल्ड, तीन ही ऐसी कंडीशन है जिसमें हम सर्जरी करेंगे। तीन ऐसी कंडीशन हो सकती हैं दोस्तों जिसमें हम सर्जरी कर सकते हैं। पहला कि हमने क्लाइंट को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, जो मैंने आपको जो ट्रीटमेंट वो लिखाया है, 5-MinoSalicylates दिया जाता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अलावा स्टीरोइड्स दिए जाते हैं इसके अंदर, इसके अलावा जो इम्यूनोमोडुलेटर है वो दिए जाते हैं, मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज हैं वो दी जाती हैं। अगर वो सब देने के बाद भी क्लाइंट को कोई फायदा नहीं हो रहा और जो सिम्टम्स है वो सीवियर होते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम वी विल गो टू द सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ हम जाएंगे। दूसरा दोस्तों कि उस क्लाइंट के अंदर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ जाएं, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल सिम्टम, अगर जीआई ट्रैक्ट को छोड़ के बाकी के जो सिम्टम्स है ना दोस्तों वो भी अगर आने लग जाएं, तो उस दौरान भी हम सर्जरी को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों ये है कि मैंने आपको बताया भी था कि देर आर मोर चांसेस ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर इन अल्सरेटिव कोलाइटिस एज कंपेयर टू क्रोन्स डिजीज, कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर कोलोरेक्टल कैंसर के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर और ज्यादा आपको लगे कि देर इज मोर रिस्क, इफ देर इज मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग, क्योंकि क्लाइंट को मतलब ट्रीट ही नहीं हो पा रहा है तो उसको कोलोरेक्टल कैंसर हो जाएगा। तो अगर आपको यह लगे कि उस क्लाइंट के अंदर कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो डेवलप हो सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम क्या करेंगे दोस्तों, सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में यही चीज हुई है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि जो क्लाइंट है कई सालों से इसको हो रहा है, पास्ट सेवरल ईयर से सीवियर सिम्टम्स अभी आ रहे हैं उस क्लाइंट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर कैकेक्सिया तक का सिम्टम आ रहा है, जो वेट लॉस है ये सब हो रहा है, उसके अंदर वीकनेस आ गई है, तो उस क्लाइंट को हम दोस्तों अब किसकी तरफ जाएंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे दोस्तों, हम सर्जिकल थेरेपी या फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट कोलेक्टोमी की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इतने साल से हो रहा है तो पक्का कंटिन्यूड मेडिकल थेरेपी एंड जो डाइट थेरेपी है दैट हैज बीन फेल्ड, ये क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। इसको लिख लो, लिखो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में, अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में अगर मेडिकल थेरेपी एंड डाइट थेरेपी फेल्ड हो चुकी है, तो उसका सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाता है, सर्जिकल मैनेजमेंट ब्रैकेट में लिख लो कोलेक्टोमी, प्रोक्टोकोलेक्टोमी करते हैं वैसे, यहां पर ऑप्शन में आपको कोलेक्टोमी दे रखा है इसलिए मैं कोलेक्टोमी लिखा देता हूं, कोलेक्टोमी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है कि ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट हु हैज ए फुल टाइम जॉब, हाउ टू केयर फॉर ए न्यू कोलोस्टोमी। एक क्लाइंट का दोस्तों क्या बनाया गया है, कोलोस्टोमी बनाया गया है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है दोस्तों, उस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, उस पेशेंट के अंदर क्या किया गया है, एक ओपनिंग बनाई गई है, एक क्या बनाई गई दोस्तों, ओपनिंग बनाई गई है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। इस ओपनिंग के थ्रू ही अब जो स्टूल है दोस्तों क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, कोलोस्टोमी के नाम से जानेंगे। एट विच टाइम शुड द नर्स सजेस्ट शेड्यूलिंग द कोलोस्टोमी इरीगेशन, तो दोस्तों डेली हमें क्या करना पड़ता है कि दिन में एक बार हम उस कोलोस्टोमी को, उस स्टोमा को जो वहां पे बना है उसके अंदर से उसको क्या करते हैं दोस्तों, वाटर डालकर उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, जो भी स्टूल है उस सबको क्या कर लेते हैं, इवैक्यूएट कर देते हैं उसको, बिल्कुल क्या कर देते हैं, हम क्लीन कर देते हैं। तो इसे हम, इस प्रोसीजर को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कोलोस्टोमी इरीगेशन के नाम से जानते हैं। सिंपल सा होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक बैग लटका देते हैं जो कि इरीगेशन बैग होता है, जैसे आपकी जो हम आईवी लाइन लगाते हैं दोस्तों, तो आईवी जो सेट होता है उसी की तरह इसमें भी एक कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इस प्रकार से, तो हार्ड नहीं होती है वो इतनी, तो वो इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, इंसर्ट कर देते हैं और इस वाटर को क्या कर देते हैं, चला देते हैं।
ठीक है, लगभग 500 से 1000 ml जो वाटर है वो हम यूज करते हैं, जो भी करते हैं यूज उसके बारे में और बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद में जो भी चीज़ आती है उसको एक बैग में क्या कर लेते हैं दोस्तों, हम कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम किस नाम से जानते हैं, कोलोस्टोमी इरीगेशन के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किसी भी पेशेंट की मान लो सर्जरी कर दी गई है तो कम से कम कितने दिन के बाद आप कोलोस्टोमी इरीगेशन करोगे, तो इसका आंसर आएगा 7 डेज। ऐसे नहीं है कि सर्जरी आज हुई है और आज से ही आप क्या करने लग गए दोस्तों, इसको इरीगेट करने लग गए। क्यों? क्योंकि इस दौरान क्या हो सकता है, मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग हो सकता है। अगर आपने 7 दिन से पहले कर दिया तो ब्लीडिंग हो सकती है, मोर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। इसलिए कम से कम हम 7 दिन के बाद ही हम क्या करते हैं दोस्तों, इरीगेशन करते हैं, उसको क्लीन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो क्या है कि फ्लूड फॉर इरीगेशन क्या यूज किया जाता है। तो आप नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हो, मतलब 0.9% नॉर्मल सलाइन, या फिर आप दोस्तों टैप वाटर भी यूज किया जा सकता है। इसमें टैप वाटर होता है वो भी क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। अमाउंट जो है वो 500 से लगभग हम 1000 ml यूज करते हैं, 500 से 1000 ml ऑफ NS या फिर टैप वाटर क्या किया जाता है, उसको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों मिनिमम टाइम फॉर इरीगेशन, कि जो इरीगेशन जो किया गया है कम से कम कितने टाइम में, तो मिनिमम से मिनिमम भी 20 मिनट होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम भी कितना होना चाहिए दोस्तों, 20 मिनट होना चाहिए। क्यों? अगर हम इससे ज्यादा तेज कर देते हैं ना तो पेशेंट को क्या होने लग जाता है, क्रैम्प आने लग जाते हैं, पेन होने लग जाता है, उसको क्या होने लग जाता है, क्रैम्प आने लग जाते हैं। अगर हम जल्दी फास्ट कर दें तो क्रैम्प आने लग जाते हैं पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन होने लग जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथेटर शुड बी इंसर्टेड बाय यूजिंग विच जेली। एक क्वेश्चन ऐसा है कि भाई इसमें पूछते हैं भाई कैसी जेली यूज करनी चाहिए, तो दोस्तों इसके अंदर हम क्या तो वाटर बेस्ड जेली यूज करते हैं। जेली जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, वाटर बेस्ड जेली होनी चाहिए। अगर ऑप्शन में ये नहीं दे आपको तो फिर वो जाइलोकेन जेली देगा, जाइलोकेन जेली यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भाई जो इंसर्शन जो किया जाता है वो कितने इंच इंसर्ट किया जाता है कैथेटर के जो कैनुला है उसको, जो इरिगेशन बैग है उससे जो हम लाइन जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या उसका कैथेटर होता है जिसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, स्टोमा के अंदर, जो ओपनिंग बनाई गई है इंटेस्टाइन के अंदर उसको जो इंसर्ट करेंगे उसका जो इंसर्शन है वो कितना किया जाता है। तो इस यहां पर तो 3 इंच दे रखा है लेकिन आप लिखो 3 to 4 इंच, 3 to 4 इंच, 3 to 4 इंच। इसके बाद टेम्परेचर ऑफ द फ्लूड कितना होना चाहिए, जो इरिगेशन जो फ्लूड आप यूज कर रहे हो उसका टेम्परेचर, तो मोस्ट में तो 105 डिग्री फारेनहाइट लिखा हुआ है लेकिन आपको लिखना है 100 से 105 डिग्री फारेनहाइट, 100 to 105। अगर आपने फास्ट इन्फ्यूजन दे दिया फ्लूड को, फास्ट वो कर दिया दोस्तों, तो क्या कोच करेगा, क्रैम्प कोच करेगा, क्या कोच करेगा, क्रैम्प कोच करेगा। ये फ्रीक्वेंसी इन ए डे, अगर क्रैम्प आने लग जाए किसी भी क्लाइंट को, मान लो आप इरीगेट कर रहे हो और क्रैम्प आने लग जाए तो फिर आप क्या करोगे, तो टेम्पररी स्टॉप करेंगे, ठीक है, जो इरिगेशन है उसको टेम्पररी हम स्टॉप करेंगे, मतलब कि उसको बंद कर देंगे। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, जब उसके क्रैम्प सेम होंगे तो वापस उसको क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने आईवी सेट के अंदर ऑन और बंद करने का होता है ना, तो उसी प्रकार से उसके अंदर भी ऑन और बंद करने का सिस्टम रहता है। तो जैसे ही क्रैम्प आने लगे तो उसको बंद कर देंगे, बंद करने के बाद में फिर जैसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा आपको, जैसे ही जो क्रैम्प्स हैं वो ठीक हुए वापस उसको क्या कर देते हैं, इरिगेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो इफ फास्ट इन्फ्यूजन ये हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी इन ए डे मैक्सिमम, मतलब एक दिन में एक ही बार करते हैं, वन टाइम, एक दिन में कितनी बार करते हैं दोस्तों, एक टाइम करते हैं और हैबिट डालने के लिए हम सेम टाइम पे करते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, सेम टाइम पे करते हैं और यूजुअली इसको किया जाता है आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के कुछ समय बाद। क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो पर्सन है उसके अंदर एक रिफ्लेक्स होता है, दैट इज गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे हम फूड खाते हैं, फूड खाने के बाद जो इंटेस्टाइन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिससे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट थोड़ा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्लीनिंग में क्या करता है, मदद करता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। मैंने शायद एक बार आपको इस बारे में बताया हुआ भी है पहले भी। अगर एक दिन से ज्यादा कर दिया दोस्तों क्लीन, अब सोचो आप इंटेस्टाइन के जो कंटेंट है जब आप उसको क्लीन कर रहे हो, जो इरीगेशन वापस बाहर आएगा वो दोस्तों, तो बाहर आएगा तो क्या कोज करेगा भाई, अंदर के जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको भी तो बाहर लेके आ रहे हैं ना इंटेस्टाइन के, तो उसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब बताओ इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, वो कौन सा फ्लूड इम्बैलेंस होगा, या से लिखो कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस होगा, ये बताओ, सोच के बताओ कि इंटेस्टाइन का कंटेंट अगर बाहर निकल रहा है तो क्या होगा, मेटाबोलिक एल्कलोसिस होगा या मेटाबोलिक एसिडोसिस होगा, आपको ये मुझे बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पोजीशन, तो वेस्टर्न टॉयलेट के ऊपर बैठाकर सिटिंग पोजीशन में हम कर सकते हैं इसको, सिटिंग पोजीशन, जो वेस्टर्न जो टॉयलेट आती है उनके ऊपर बैठ के सिटिंग पोजीशन में किया जा सकता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाई टॉप इरिगेशन जो बैग है वो कितना होना चाहिए। तो हाई टॉप इरिगेशन जो बैग है वो लगभग आपका 45 सेंटीमीटर होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको, अब मोस्टली के अंदर देखोगे तो वहां पर आपको 30 आंसर मिलेगा, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि ये जो आंसर है ना, ये मतलब उनका जो थ्योरी है वो अलग चीज कह रही है और जो क्वेश्चन है वो अलग कह रहा है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। ऐसा एक क्वेश्चन हमें मिलेगा भी, मैं आपको दिखाई देता हूं। यहां पर दे रखा है दोस्तों कि 12 से और 18 इंच, ठीक है, 12 से और 18 इंच जो है दोस्तों वो रखा जाता है। तो 30 से और 45 सेंटीमीटर हो गया ये, 30 से और 45 सेंटीमीटर। अब एक क्वेश्चन में उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए, उसमें 12 इंच भी दे रखा है ऑप्शन में और 18 इंच भी दे रखा है उन्होंने। तो आंसर जो है दोस्तों मेनली आप बाकी की जो भी बुक प्रेफर करोगे ना, आप सब में क्या आएगा, 18 इंच आंसर आएगा इसका, क्या आएगा, 18 इंच ही आंसर आएगा, नहीं कि 12 आएगा। तब इन्होंने दोनों लिख रखे हैं 12 से 18 इंच, तो हम आंसर जो मानेंगे दोस्तों किसको मानेंगे, 18 इंच को मानेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको और ज्यादा समझा दूंगा आपको। अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एक बार थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि भाई कब करना चाहिए इरिगेशन, कब करना चाहिए। तो मैंने कहा था एक तो सेम टाइम पे करना चाहिए, डेली हमेशा एक टाइम के ऊपर करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, और जो एक क्लाइंट है ना दोस्तों, फुल टाइम जॉब है इसका, फुल टाइम जॉब का मतलब ये सुबह निकलता होगा ये और शाम को लेट वापस आता होगा, दिस इज कॉल्ड फुल टाइम जॉब। तो व्हेन इट इज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर द क्लाइंट, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। मोस्ट कन्वीनियंट फॉर द क्लाइंट, क्लाइंट के लिए तो कभी भी कन्वीनियंट हो सकता है, लेकिन वो फुल टाइम जॉब करता है तो वहां पर उसको जॉब पे करने में क्या हो सकती है दोस्तों, प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को यूज नहीं करता, कि आपने कभी भी खा लिया, कभी भी कर लिया, नहीं खा रखा तो भी कर लिया। तो हम किसका फायदा उठाना चाहते हैं, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का फायदा उठाना चाहते हैं, जिसके कारण इरिगेशन में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। तो यहां पर ये चीज नहीं हो पाती है, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का फायदा नहीं मिल पाता है। ये अप्रोक्सीमेटली ए हाफ आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि उसको उसके बाद क्या होना जाना होता है, उसके बाद उसको ड्यूटी जाना होता है, तो पूरे दिन में एक बार ही किया जा सकता है, बार बार किया नहीं जा सकता। दूसरा, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये पूरा जो प्रोसेस है वो एक घंटा ले लेता है। आप ऑब्जर्व इरिगेशन में तो 20 मिनट, मतलब जो फ्लूड चलाया है उसको मैक्सिमम 20 मिनट तक चला सकते हैं, और पूरा प्रोसीजर जो है दोस्तों क्लीन करना, उसको वहां से हटाना, फिर यूज करना, तो वो सब टाइम एक घंटे तक का टाइम लग सकता है इसमें, है ना। तो ये लंबा प्रोसीजर है, इसको वहां पर नहीं किया जा सकता कि आप ड्यूटी पे कर लो, ये कर लो, तो इसलिए घर पे किया जाना चाहिए ऐसे क्लाइंट के लिए जो जॉब करते हैं। और ब्रेकफास्ट के बाद करोगे डेली तो एक क्या होगा, शेड्यूल बनेगा, और दूसरा क्या होगा, गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने किसके बाद किया है, ब्रेकफास्ट के बाद किया है। तो ब्रेकफास्ट किया तो हमारे बॉडी के अंदर जैसे फूड जाता है स्टोमक के अंदर, तो इंटेस्टाइन के अंदर वो रिफ्लेक्स क्लोज करता है, तो गैस्ट्रो मतलब स्टोमक के अंदर फूड जाने के कारण इंटेस्टाइन के अंदर जो रिफ्लेक्स होता है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, तो उसका भी क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसलिए राइट आंसर यही आएगा। नेक्स्ट देखा है, हाफ वे बिटवीन द टू लार्जेस्ट मील्स ऑफ द डे, ठीक है, हाफ वे बिटवीन द टू लार्जेस्ट मील ऑफ द डे। दोस्तों इसमें गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का कोई फायदा मिलेगा क्या, उसको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने मील सुबह लिया, शाम को लिया, और बीच में वो क्या कर रहा है, उसको वो यूज कर रहा है, तो उस दौरान गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का कोई फायदा उसको नहीं होगा, क्योंकि वो जस्ट खाना खाने के बाद ही होता है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ जो ऑप्शन, वो क्या कर रहा है, एट द टाइम द क्लाइंट हैड बाउल मूवमेंट्स बिफोर सर्जरी, वह सर्जरी से पहले जैसे वो डिफिकेट करता था ना उसी प्रकार। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है ये आंसर। क्यों? सर्जरी से पहले मान लो फुल टाइम जॉब करता है, और अगर उसको बाउल मूवमेंट होता है, स्टूल पास करना है, तो उसको टाइम नहीं लगेगा, वो वहां पर ड्यूटी पे भी कर सकता है, 5 मिनट में कर देगा। बट यहां पर उसको इसमें टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों ये, उसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का भी फायदा उठाना है। इसलिए ऐसे क्लाइंट के अंदर दोस्तों, एट द टाइम द क्लाइंट हैड बाउल मूवमेंट्स बिफोर सर्जरी वाला है, इस पैटर्न को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। एक्टिविटी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, डेली एक्टिविटी जो भी करता है वो पहले वाली अभी भी कर सकता है, बट बाउल हैबिट्स को थोड़ा सा क्या करने की जरूरत है दोस्तों, उसको चेंज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि पहले उसके पास टाइम नहीं लगता था, पहले तो बाउल मूवमेंट को पास करने में, लेकिन अब बाउल मूवमेंट को पास करने में क्या लगेगा, उसको समय लगेगा, टाइम लगा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है, तो उसको करने में उसको टाइम लगेगा। दूसरा, उसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का क्या उठाना है, फायदा उठाना है। इसलिए ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों इसका, अप्रोक्सीमेटली ए हाफ आवर आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो लिखो, कोलोस्टोमी के क्लाइंट को इरिगेशन ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद करने से एक प्रॉपर शेड्यूल बनता है,
एक प्रॉपर शेड्यूल बनता है तथा तथा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का फायदा मिलता है तथा गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का बेनिफिट मिलता है गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स का बेनिफिट मिलता है ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है, ए नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट विद ए परमानेंट कोलोस्टोमी। अगर 6 वीक से ज्यादा कोलोस्टोमी बनाई गई है तो वो परमानेंट कोलोस्टोमी कहलाती है, लाइफ टाइम भी हो सकती है। अबाउट द सेल्फ केयर इन प्रिपरेशन फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, ठीक है। उसको नर्स पढ़ा रही है कि भाई कैसे आपको इस कोलोस्टोमी की क्या करनी है दोस्तों, केयर करनी है। कब पढ़ा रही है, जब उसके डिस्चार्ज करने ही वाले हैं, तो इन प्रिपरेशन फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल विच इंटरवेंशन शुड द नर्स डिस्कस विद द क्लाइंट। तो भाई क्लाइंट को क्या चीज उसको बताना जरूरी होता है। पहला दे रखा है दोस्तों इसके अंदर कि क्लाइंट को लिमिटिंग एक्टिविटी के बारे में बताएगा, बिल्कुल गलत। क्लाइंट दो है दोस्तों, थोड़ा सा टाइम जरूर ले सकता है भाई, जैसे हीलिंग होने लग जाएगी तो उसके बाद में वो क्या कर सकता है, नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, बल्कि सब एक्टिविटी परफॉर्म कर लेता है वो, कुछ कुछ छोड़ के सिर्फ, जिसमें बस इंजरी ना हो जाए स्टोमा को, लेकिन नियर नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। इसे हम किस नाम जानते हैं, नियर नॉर्मल एक्टिविटी, नियर नॉर्मल एक्टिविटी। लगभग 3 महीने के समय के बाद वो हर एक्टिविटी को क्या करने लेता है, परफॉर्म करने लग जाता है, नियर नॉर्मल एक्टिविटी वो परफॉर्म कर सकता है। इसलिए उसको ऐसे कहने पर ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये बिल्कुल क्या है, गलत। सेकंड दे रखा है वियरिंग द स्पेशल क्लोथिंग, कोई स्पेशल क्लोथिंग की जरूरत नहीं है, क्लाइंट बस नॉर्मल क्लोथिंग पहनेगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी नॉर्मल जो कपड़े हैं ना, थोड़ी ढीले होने चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं होने चाहिए, कि यहाँ पर दबाव डाल लें, उसके जो कोलोस्टोमी बना हुआ है उस जगह पे क्या बने दोस्तों, स्टोमा बना हुआ है वहां पर वो दबाव नहीं डालना चाहिए, बस नॉर्मल क्लोथिंग होनी चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्टिंग नहीं होनी चाहिए वो। थर्ड दे रखा है डायलेटिंग द स्टोमा पीरियडिकली, ये बिल्कुल सही है अभी तक ये हमारा सही है, अभी मैं समझाऊंगा इसको। डायलेटिंग द स्टोमा पीरियडिकली ये सही है। मेंटेनिंग ए लो रिजिड डाइट, लो रिजिड डाइट देने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्लाइंट को हम नॉर्मल डाइट देंगे, नॉर्मल डाइट ही दी जाती है, कोई भी रेजिड्यू डाइट देने की क्लाइंट को जरूरत नहीं है। अब इसका आंसर क्या है, डायलेटिंग द स्टोमा पीरियडिकली। दोस्तों कोलोस्टोमी का मतलब क्या है कि भाई कोलोन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमने क्या बना दिया, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमने एक स्टोमा बना दिया, ओपनिंग बना दी, और वहीं से जो भी स्टूल, जो भी प्रोडक्ट है, फिकल मैटर है, उनको बाहर इवैक्यूएट करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब ये जो है ना दोस्तों, एक्चुअली में ये एक होल हो गया, इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो गया, एक होल हो गया। अब बॉडी के टिश्यूज हमेशा उसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उसको हील करने की, बंद करने की। तो ये क्या हो सकता है, कुछ समय के बाद यहाँ पर क्या हो सकता है दोस्तों, स्ट्रिक्चर्स हो सकते हैं या बंद हो सकता है, ये क्लोज हो सकता है, ये अपने आप क्लोज या फिर स्ट्रिक्चर्स हो जाएंगे इसके अंदर, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो आप अपने को इसको ओपन रखना है, भाई बनाया इसलिए गया है, कोई प्रॉब्लम थी तभी तो बनाया गया है, नहीं तो अपने को इसको क्या रखना है, ओपन रखना है। तो ओपन रखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कि कुछ समय समय पर हम क्या करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, ग्लव्स पहन के हम जो ग्लव्स की जो फिंगर है उसे फिंगर का यूज करते हुए उसके चारों तरफ क्या लगाएंगे, वाटर बेस्ड जेली लगाएंगे, और उस होल क्या करते हैं दोस्तों, मतलब कि उस होल को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो बंद नहीं हो। तो ये पीरियडिकली कुछ कुछ समय पे हमें करना होता है, जिससे कि वो क्या नहीं हो, बंद नहीं हो। तो डायलेटिंग द स्टोमा पीरियडिकली किया जाता है ये, ठीक है, कुछ कुछ समय पे हम ये डायलेटिंग द स्टोमा क्या करते हैं, पीरियडिकली करते हैं, ताकि वो बंद न हो जाए। तो लिखो कोलोस्टोमी के बाद स्टोमा के स्ट्रिक्चर होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रिक्चर होने के चांसेस होते हैं अतः पेशेंट को पीरियडिकली ग्लव्ड फिंगर का, मतलब हैंड में पहनते हैं लेकिन वो फिंगर में भी ग्लव्स होना चाहिए, ग्लव्ड फिंगर का यूज करते हैं, मैं समझाना चाह रहा हूँ, मतलब सिर्फ फिंगर का यूज करते हैं लेकिन उसमें ग्लव्स होने चाहिए, ऐसे फिंगर का यूज करते हुए उसको डायलेट करना चाहिए, यूज करते हुए उसे डायलेट करना चाहिए। पॉज द क्लास एंड टेक ए स्क्रीनशॉट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं दोस्तों, एक क्लाइंट विद कैंसर ऑफ द कोलोन, ठीक है, एक क्लाइंट को कोलोन कैंसर हुआ है, हेड सर्जरी
फॉर ए रिसेक्शन ऑफ द ट्यूमर, ट्यूमर के रिसेक्शन के लिए क्या की गया, सब सर्जरी की गई। अगली क्लास में मैं आपको पूरा समझा दूंगा, कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में बात करेंगे और उससे उसके अंदर की जाने वाली जो सर्जरी है दोस्तों, APR सर्जरी की जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक LAR सर्जरी की जाती है एंड द क्रिएशन ऑफ ए कोलोस्टोमी। ठीक है, क्लाइंट का क्या किया दोस्तों, ट्यूमर को रिसेक्शन कर दिया गया और एक कोलोस्टोमी बना दी गई है। कोलोस्टोमी बना दी गई है इंटेस्टाइन के अंदर, क्या बना दी गई है, कोलोस्टोमी बना दी गई है। एक स्टोमा क्रिएट कर दिया गया है, उसी के द्वारा जो फीकल मैटर हो क्या आएगा, बाहर आएगा। ड्यूरिंग द 6 वीक पोस्ट ऑपरेटिव चेकअप, वो 6 वीक का पोस्ट ऑपरेटिव चेकअप दिया गया, उसको बार बार वो आता है उसके लिए। द नर्स टीचेज द क्लाइंट, अब 6 वीक पे वो आया है, नर्स उसको टीच कर रही है अबाउट न्यूट्रिशन, कि भाई उसको क्या लेना चाहिए, फूड के अंदर क्या लेना चाहिए। तो सीधी सी बात है भाई, क्वेश्चन इतना बड़ा है ये, बट सिंपल में एक सेंटेंस में क्या कह रहा है कि कोलोस्टोमी के क्लाइंट को क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए, क्या डाइट देनी चाहिए। द नर्स इवाल्युएट दैट लर्निंग हैज टेकन प्लेस व्हेन द क्लाइंट स्टेट्स आई शुड फॉलो ए डाइट दैट इज, नर्स ये जान जाएगी कि भाई जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब क्या हो चुका है दोस्तों। द नर्सिंग टीचिंग हैज टेकन प्लेस, मतलब उसने सीख लिया है जो भी मैंने पढ़ाया है, लर्निंग जो है क्या, जब क्लाइंट ये कहे आई शुड फॉलो ए डाइट दैट इज, तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि कोलोस्टोमी के अंदर कौन सी डाइट दी जाती है, कोलोस्टोमी के अंदर कौन सी डाइट दी जाती है ये पूछ रहा है ये। अब इसके अंदर पहला जो ऑप्शन है दोस्तों कि भाई कोलोस्टोमी के क्लाइंट को कैसी डाइट दी जानी चाहिए, रिच इन प्रोटीन डाइट दी जानी चाहिए, लो इन फाइबर कंटेंट दिया जाना चाहिए, एज क्लोज टू यूजुअल एज पॉसिबल एंड हायर इन कैलोरी देन बिफोर। पहला दोस्तों इसके अंदर क्या दे रखा है, रिच इन प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर रिच डाइट देने की, वैसे प्रोटीन रिच डाइट अच्छी होती है, बट अगर आप बैलेंस डाइट दे रहे हो, नॉर्मल नियर टू नॉर्मल डाइट दे रहे हो, अगर जितनी उसके अंदर बैलेंस डाइट है, या नॉर्मल डाइट लिख लो, रेगुलर डाइट भी लिख सकते हो, नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट अगर दे रहे हो और उसको जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अगर वो पूरी हो रही है तो वो भी हीलिंग के लिए क्या है, इनफ है। तो हाई प्रोटीन डाइट देने की भी हमें क्या नहीं है दोस्तों, कोई जरूरत नहीं है। सेकंड दे रखा है लो इन फाइबर कंटेंट, तो नॉर्मल जो फाइबर है वो दिए जाते हैं जितने डाइट के अंदर हमें दिए जाने चाहिए, ठीक है, और उसके द्वारा क्या होगा कि जो स्टूल है वो सोफन होगा, वो हार्ड नहीं होगा। तो लो फाइबर डाइट तो वैसे भी नहीं दी जाएगी, वो तो किसी भी केस में नहीं दी जाएगी, तो ये भी क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। एज क्लोज टू द यूजुअल एज पॉसिबल, अगर हाई फाइबर होता तो भी फिर आप भी एक बार सोचते हैं, लेकिन लो फाइबर है तो ये वैसे बिल्कुल भी गलत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हम बिल्कुल कोशिश करते हैं कि कैसी डाइट देंगे उसको, हम जैसे यूजुअल देते हैं, नॉर्मल जो डाइट देते हैं, नॉर्मल बैलेंस जो डाइट देते हैं दोस्तों, वैसे ही डाइट क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। नहीं दे रखे हायर इन कैलोरी देन बिफोर, नहीं, ज्यादा कैलोरी देने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है बस उतनी ही देंगे, बस उसका जो रास्ता है वही तो चेंज किया है ना हमने, और कोई ज्यादा देने की जरूरत नहीं होती। तो इसके अंदर लिखो, कोलोस्टोमी के बाद क्लाइंट को, कोलोस्टोमी के बाद क्लाइंट को नियर यूजुअल डाइट, अगर ये ऑप्शन में नहीं लिखा होगा तो नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट लिखा होगा, नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट दी जाती इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब, हम इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि कौन कौन सी ट्यूब होती हैं जो नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब होती हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। विच सॉल्यूशन शुड द नर्स यूज व्हेन इंस्टिलिंग द ट्यूब टू एंश्योर इट्स पेटेंसी, ठीक है, हमको कौन सा सॉल्यूशन को यूज करना चाहिए दोस्तों, हमें ये चेक करना है कि वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। मेन जो सबसे अच्छा मेथड होता है दैट इज एक्सरे। अब हम पेटेंसी चेक कर रहे हैं तो किस चीज का हम यूज करें दोस्तों, पहला इसमें दे रखा है स्ट्राइल वाटर, स्ट्राइल वाटर जो होता है दोस्तों दैट इज हाइपोटोनिक, क्या होता है दोस्तों हाइपोटोनिक। यहाँ पर मैं कोलोस्टोमी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या आप सोचो कि कोलोस्टोमी है सर आप टैप वाटर से करते हो, आपने भी बताया था, नहीं, यहाँ पर नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब की बात है, ठीक है, तो हाइपोटोनिक होता है ये, यहाँ पर हाइपोटोनिक सेलाइन दे रखा है, ये भी हाइपोटोनिक होता है, 0.9% नॉर्मल सेलाइन से नीचे जो भी नॉर्मल सेलाइन होगा दोस्तों वो सब क्या होते हैं, हाइपोटोनिक सेलाइन होते हैं, ठीक है, 0.9 से कम, 0.45 हो तो वादा होगा, 0.225 हो कभी, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सेलाइन और स्ट्राइल जो वाटर होते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, हाइपोटोनिक होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हाइपोटोनिक होते हैं, और हाइपोटोनिक जो होंगे ना ऐसी चीजें जब देने के ऊपर क्या होगा, वो फ्लूड अंदर एंटर करेगा और उसके कारण क्या होगा दोस्तों, पेशेंट को सर्कुलेटरी ओवरलोड भी हो सकता है, इसलिए स्ट्राइल वाटर और हाइपोटोनिक सेलाइन हम इसको नहीं देंगे, न ही हाइपरटोनिक ग्लूकोज दिया जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा देने के कारण जो पेशेंट है दोस्तों उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो भाई दे क्या, सिंपल सी बात है दोस्तों, हम क्या देंगे, आइसोटोनिक सेलाइन देंगे, अगर आइसोटोनिक सेलाइन एग्जाम ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ तो 0.9% नॉर्मल सेलाइन लिखा हुआ, ये नॉर्मल सेलाइन है दोस्तों वो हम देते हैं, ठीक है, तो लिख लो, नेजो इंटेस्टाइनल ट्यूब की
इंटेस्टाइनल ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए 0.9% नॉर्मल सलाइन या आइसोटोनिक नॉर्मल सलाइन का यूज किया जाता है। बस इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है वो क्या है, आफ्टर हैविंग ए ट्रांसवर्ज कोलोस्टोमी। ट्रांसवर्ज कोलोस्टोमी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि जो ट्रांसवर्ज जो कोलोन है ना, ये असेंडिंग कोलोन है, ये सीकम है, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्ज कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये सिग्मोइड कोलोन है। तो जो ट्रांसवर्ज कोलोन है दोस्तों, इसके अंदर अगर हम स्टोमी करते हैं, ओपनिंग बनाते हैं, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, ट्रांसवर्ज कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। फॉर द क्लाइंट आस्क व्हाट फिजिकल इफेक्ट द सर्जरी विल हैव ऑन फ्यूचर सेक्सुअल रिलेशनशिप। अब वो क्लाइंट कह रहा है कि भाई मेरे ट्रांसवर्ज कोलोस्टोमी किया गया है, तो मेरे सेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर इससे क्या फर्क पड़ेगा, ट्रांसवर्ज कोलोस्टोमी होने के कारण मेरे सेक्सुअल रिलेशनशिप पे क्या फर्क पड़ेगा। विच इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड इन ए टीचिंग प्लान फॉर दिस क्लाइंट। तो नर्स को क्या बताना चाहिए उस क्लाइंट को। पहला है, यू विल बी एबल टू रिज्यूम यूजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप। बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, कोलोस्टोमी के बाद में कोई भी फिजिकल, कोई भी एनाटोमिकल, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो क्लाइंट को साइकोलॉजिकल हो सकती है, और साइकोलॉजिकल के लिए हम उसको क्या करेंगे, वर्बलाइजेशन करेंगे, उससे बात करेंगे, हम उसको सिखाएंगे कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि क्लाइंट के लिए अभी नर्स कर रही है, तो उसको बताने की जरूरत है नहीं ये चीज। तो जो क्लाइंट है दोस्तों क्या कर सकता है, जो एक नॉर्मल पर्सन जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है, वैसे ही सेक्सुअल रिलेशनशिप एक कोलोस्टोमी का क्लाइंट भी बना सकता है, ठीक है, उसको यही आपको बताना है। सेकंड क्या रहता है, सर्जरी विल टेम्पररी डिक्रीज योर सेक्सुअल इंपल्सेस। कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों, कोई भी हम एनाटोमिकली फिजियोलॉजिकली कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड, तो उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखा, यूर सेक्सुअल एक्टिविटी मस्ट बी कर्टेल्ड फॉर सेवरल वीक्स, कि कुछ सप्ताह तक रोक दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, उसको कह दिया जाता है कि आप कर सकते हो सेक्सुअल रिलेशनशिप, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी क्या होगा, कम हो जाएगी सेक्सुअल जो एक्टिविटी है ये, तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है, नॉर्मल पर्सन, बस सिंपल सी बात है, नॉर्मल होगा। नेक्स्ट दे रखा है, पार्टनर शुड बी टोल्ड अबाउट द सर्जरी बिफोर एनी सेक्सुअल एक्टिविटी। तो आपको है ना पार्टनर को सर्जरी के बारे में बताना है, ये इसमें ये है कि जो पेशेंट है ना, हमें फोकस किस पे करना है, पेशेंट पे करना है, ये दे रखा है आपकी बुक में। और दूसरा दोस्तों क्या चीज़ है कि भाई ये पेशेंट का खुद का वो है कि भाई पेशेंट ये बताए नहीं बताए, ये उसका पर्सनल इश्यू है, इसका क्लाइंट की प्राइवेसी है ये, वो हम उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत आंसर आ जाएगा। तो लिख लो इसका आंसर क्या आएगा, इसमें लिख लो कोलोस्टोमी के बाद क्लाइंट नॉर्मल सेक्सुअल रिलेशनशिप बना सकता है या परफॉर्म कर सकता है। लिखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लिख लो परफॉर्म कर सकता है, बस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या कह रहा है, ए क्लाइंट हैज ए ट्रांसवर्ज लूप कोलोस्टोमी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक क्लाइंट है दोस्तों, ट्रांसवर्ज का मतलब ट्रांसवर्ज कोलोन के अंदर बनाया गया है। लूप के अंदर क्या होता है कि इंटेस्टाइन को पहले बाहर निकालते हैं ऐसे, ठीक है, इंटेस्टाइन को ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा, यहां से इंटेस्टाइन को ये बाहर निकाल दिया, यहां से इंटेस्टाइन को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद फिर इसको क्या किया जाता है दोस्तों, कट किया जाता है। कट करने के बाद यहां पर कोई भी पाइप है मान लो, उसको आप दो भागों में कट करोगे तो इस प्रकार से दो पाइप बन जाएंगे, तो लेकिन उसको पूरा कट नहीं किया जाता, लास्ट का जो कुछ पार्ट है ना उसको जोड़ा हुआ रखा जाता है। वो क्यों करते हैं भाई, टेम्प्रेरी कोलोस्टोमी बनानी हो ना, कुछ समय के बाद में क्या कर दिया जाएगा, उसको वापस से सूचर कर दिया जाएगा और जोड़ दिया जाएगा, तो उस समय में हम लूप कोलोस्टोमी का क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। लूप कोलोस्टोमी में क्या होगा, यहाँ पर ओपनिंग बना दी हमने, ओपनिंग बनाने के बाद दोनों ओपनिंग को बाहर निकालते हैं, और कुछ समय के बाद क्लाइंट को जब कोलोस्टोमी को बंद करना होगा, तो 6 वीक से कम की होती है, वो टेम्प्रेरी होती है, तो उसको वापस से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होंगे दोस्तों, दो स्टोमा बनेंगे। अब यहाँ पे सीधी सी बात, उसको बाहर निकाला है फिर उसको कट किया है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे दोस्तों, दो स्टोमा बनेंगे ये, ठीक है। तो एक ये स्टोमा दैट इज प्रोक्सीमल स्टोमा, और ये एक डिस्टल स्टोमा। अगर ये प्रोक्सीमल हो गया, ये क्या हो गया, डिस्टल हो गया,
ये इधर की साइड हो गया तो राइट हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों लेफ्ट हो गया, ये राइट साइड हो गया, ये क्या हो गया लेफ्ट साइड हो गया। अब जो भी स्टूल स्टूल जो पास होता है ना दोस्तों सबके सब फंक्शनिंग कौन सा होता है, ये वाला ही होता है बस, ये ध्यान रखना है आपको। फंक्शनिंग कौन सा होता है दोस्तों, प्रोक्सीमल होता है। क्यों? क्योंकि मान लो ऐसे आया है, इधर से आएगा तो यहां तो आगे तो बाद में जाए ना, पहले यहां पर ही रहेगा ये, तो जो फंक्शनिंग जो होता है दोस्तों वो यही होता है। तो फंक्शनिंग जो है वो कौन सा होता है, प्रोक्सीमल होता है या फिर राइट साइड वाला होता है, ठीक है, जो स्टोमा होता है। अब आप देखो नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्लाइंट हैज ए ट्रांसवर्स लूप कोलोस्टोमी, व्हाट शुड द नर्स डू व्हेन इंसर्टिंग ए कैथेटर फॉर द कोलोस्टोमी इरिगेशन। अब कोलोस्टोमी इरिगेशन कर रहे हैं तो ये बैग लटका दिया हमने इरिगेशन के लिए, जैसे आईवी फ्लूइड का बैग होता है वैसे टैप वाटर या नॉर्मल सलाइन इसमें यूज कर सकते हैं। यहां पर इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे आईवी लाइन होती है वैसे लाइन होती है, और इसके लास्ट में क्या होता है, एक कैथेटर लगा हुआ रहता है। इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ रहता है, कैथेटर। इस कैथेटर को हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और डालकर क्या कर देते हैं उसको इरिगेट करते हैं। 500 से 1000 ml दे देते हैं, 500 से 1000 ml दे देते हैं, और टेम्परेचर इसका 100 से 105 डिग्री फारेनहाइट हम क्या रखते हैं दोस्तों, इसका टेम्परेचर रखते हैं, और 18 इंच हम इसकी क्या रखते हैं हाइट रखते हैं, और कैथेटर को लगभग 3 से 4 इंच क्या करते हैं हम इंसर्ट करते हैं। तो कैथेटर को डाला गया है, तो व्हाट शुड द नर्स डू। अब इसको डालेंगे कैसे, यहां पर तो दो बने हुए हैं ना दोस्तों, तो भाई हमें राइट साइड की तरफ क्या करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट करना पड़ेगा, ना कि लेफ्ट साइड की तरफ। किस तरफ करेंगे हम इसको डायरेक्ट, राइट साइड की तरफ करेंगे, क्योंकि जो फंक्शनिंग है वो कौन सा है, इस तरफ ही है, राइट साइड ही क्या है दोस्तों फंक्शनिंग होता है, ठीक है। तो उस तरफ हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि काम तो यही कर रहा है ना, फंक्शनिंग तो यही इससे है, आगे तो बाद में जाएगा ना, तो पहले तो यहीं से तो कंटेंट आएगा इसके अंदर, तो इधर से आएगा, तो इसी की तरफ हम क्या करते हैं उसको डायरेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या क्या दे रखा है दोस्तों, कि भाई आपको क्या करना है जब आप इसके अंदर कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो, ज्यादा इंसर्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो म्यूकोसल डैमेज भी कर सकते हैं। अगर आप भाई ज्यादा इसको 3 से 4 इंच से ज्यादा करोगे तो ये क्या करेगा, म्यूकोसल डैमेज कर देगा, अंदर डैमेज भी क्यों कर सकते हैं दोस्तों, कम कर सकता है। अगर कम इंसर्ट करोगे तो ये लीकेज कम कोच करेगा, जो फ्लूड आप डाल रहे हो टैप वाटर या नॉर्मल सलाइन वो क्या निकलेगा दोस्तों, बाहर निकलने लग जाएगा। अब इसमें पहला दे रखा है यूज एन ऑयल बेस्ड ल्यूब्रिकेंट, बिल्कुल गलत है, ऑयल बेस्ड ल्यूब्रिकेंट यूज नहीं करते हैं, वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट क्या करते हैं यूज करते हैं, जाइलोकेन यूज किया जा सकता है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो वाटर बेस्ड आएगा आपका आंसर। सेकंड दे रखा है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू बियर डाउन, भाई मतलब स्ट्रेनिंग करना, जोर लगाना, जैसे आप स्टूल पास करने के लिए प्रेशर लगाते हो, जोर लगाते हो, तो वहां पर जोर लगाने की क्या जरूरत है भाई, कोई स्पिंक्टर है ही नहीं, जोर जहां लगाया जाता है जहां पर क्या हो स्पिंक्टर हो, अब स्पिंक्टर तो कोई है ही नहीं, डायरेक्टली क्या बना हुआ है स्टोमा बना हुआ है, तो कोई भी बियरिंग का कोई भी फायदा नहीं है, स्ट्रेनिंग का कोई भी फायदा नहीं है, तो बिल्कुल गलत है ये भी। अप्लाई जेंटल बट कंटिन्यूअस प्रेशर, कि आपको जेंटल हल्का प्रेशर लगाओगे लेकिन कंटिन्यूअस प्रेशर नहीं लगाया जाएगा दोस्तों, आपने अगर कंटिन्यूअस प्रेशर लगा दिया ना वहां पे, कंटिन्यूअस प्रेशर लगाते जा रहे हो उसको लगा के, कंटिन्यूअस प्रेशर आप नहीं बनाए रखोगे, ज्यादा कंटिन्यूअस प्रेशर बनाने के कारण क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है म्यूकोसल, क्या हो सकती है डैमेज हो सकती है इंटेस्टाइन की, म्यूकोसल डैमेज टू इंटेस्टाइन हो सकता है। तो कंटिन्यूअस नहीं लगाया जाएगा प्रेशर, सिर्फ क्या लगाएगा जेंटल प्रेशर आप इसमें लिखोगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा डायरेक्ट इट टुवर्ड द क्लाइंट्स राइट साइड। हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, क्लाइंट की राइट साइड क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट करेंगे, इस साइड हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट करेंगे, राइट साइड हम क्या करते हैं दोस्तों इसको डायरेक्ट करते हैं, बस सिंपल सी ये बात है। अब इसमें लिख लो, इसमें लिखो ट्रांसवर्ज लूप कोलोस्टोमी के बाद, ट्रांसवर्ज लूप कोलोस्टोमी के बाद, स्टोमी के बाद इरिगेशन कैथेटर को, इरिगेशन कैथेटर को, इरिगेशन कैथेटर को राइट साइड डायरेक्ट किया जाता है, राइट साइड डायरेक्ट किया जाता है, राइट साइड डायरेक्ट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या कह रहा है हमें, कि ड्यूरिंग ए कोलोस्टोमी इरिगेशन ए क्लाइंट रिपोर्ट फीलिंग एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है, एक क्लाइंट दोस्तों उसका कोलोस्टोमी इरिगेशन किया गया है और वो एब्डोमिनल क्रैम्प क्या कर रहा है, फील कर रहा है, तो व्हाट शुड द नर्स डू। मैंने आपको पहले भी इसको बताया हुआ है, एक बार मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि इरिगेशन जो है वो कब स्टार्ट करना चाहिए, तो इरिगेशन कम से कम 7 दिन के बाद स्टार्ट करना चाहिए, कम से कम 7 डेज के बाद क्या करना चाहिए दोस्तों स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं है कि सर्जरी हो गई और सर्जरी के बाद आप दूसरे दिन ही करने लग गए, ठीक है, नहीं तो उसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। सेकंड जो क्वेश्चन है कि कौन सा फ्लूड यूज करेंगे, तो क्या हम नॉर्मल सलाइन यूज कर सकते हैं या फिर टैप वाटर भी क्या किया जा सकता है यूज कर सकते हैं, अमाउंट कितनी रखी जाएगी 500 से 1000 ml, जो हम इरिगेट कर रहे हैं उस समय फ्लूड को, तो कम से कम कितना टाइम, मिनिमम 20 मिनट्स, अगर आपने ज्यादा तेज कर दिया तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होगा, और अगर क्रैम्प आ गया तो आप उसको टेम्पररी क्या करोगे, डिसकंटिन्यू करोगे, मतलब
बंद कर दोगे उसको और कुछ समय के बाद वापस से चला दोगे, जब उसके जो क्रैम्प से वो क्या हो जाएंगे, सबसाइड हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तब। इसके बाद दे रखा है कि कैथेटर को जब इंसर्ट करेंगे तो कैसी जेली यूज करेंगे, तो वाटर बेस्ड जेली यूज करते हैं या जाइलोकेन या लिग्नोकेन जेली यूज कर सकते हैं। इंसर्शन कितना करेंगे, 3 से 4 इंच इंसर्ट करते हैं। टेम्परेचर कितना रखेंगे, 100 से 105 डिग्री फारेनहाइट रखेंगे। अगर फास्ट हमने उसको कर दिया, इरीगेट कर दिया, तो क्या होगा, उसके कारण क्रैम्प्स आ जाएंगे। क्या जाएंगे दोस्तों, क्रैम्प्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन में कितनी बार इरीगेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 टाइम कर सकते हैं, अगर हम ज्यादा करेंगे तो फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है, इम्बेलेंस हो सकता है। और पोजीशन क्या देंगे, तो जैसे वेस्टर्न जो टॉयलेट होती है उस पर बैठकर वो सिटिंग पोजीशन दी जा सकती है। और हाइट ऑफ द इरिगेशन बैग कितनी रखी जाएगी, 45 सेंटीमीटर रखी जाएगी। आ जाते हैं वापस, अब वही है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ गया। अब क्रैम्प आ गया ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है भाई, उसको डिसकंटिन्यू करना है, टेम्पररी कुछ समय के लिए रोकना है, ऐसे नहीं कि परमानेंट। परमानेंट जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में करते हैं, एक बार अगर रिएक्शन हुआ बंद, फिर नहीं चलाएंगे, बट यहाँ पर कुछ समय बंद, जब क्रैम्प्स आने बंद होंगे तब वो। ये हमने एनिमा में भी पढ़ा था, आपको याद हो तो, अगर किसी बच्चे को अगर 2-3 हज़ार साल पहले हमने पढ़ा था एनिमा में, याद हो तो। अब इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ गए तो क्या करोगे, पहला है डिसकंटिन्यू द इरिगेशन, कि भाई इरिगेशन को आप क्या कर दोगे, डिसकंटिन्यू कर दोगे। सेकंड दे रखा है लोअर द कंटेनर ऑफ फ्लूइड, क्लैंप द कैथेटर फॉर फ्यू मिनट्स। ये देखो डिसकंटिन्यू द इरिगेशन लिख दिया इसमें, ये गलत है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये गलत है। अब आपको सर आपने तो बताया भाई, मैंने इसको टेम्पररी भी बताया, कहीं नहीं लिखा हुआ डिसकंटिन्यू का मतलब हो गया बंद होना, और टेम्पररी डिसकंटिन्यू कुछ समय के लिए रोकना। अब यहाँ पर तो कुछ समय के लिए क्या, इसने जब डिसकंटिन्यू लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे लोअर द कंटेनर ऑफ फ्लूइड, भाई कंटेनर फ्लूइड की जो हाइट है ना उतनी होनी चाहिए, अगर उससे आपने कम हाइट कर दी तो स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन बंद नहीं होगा, क्रैम्पिंग भी क्या नहीं होगी, बंद नहीं होगी, तो ये भी क्या है, गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी क्लैंप द कैथेटर फॉर फ्यू मिनट्स, कि कुछ समय के लिए हम कुछ टाइम के लिए क्या कर देंगे, कैथेटर को क्लैंप कर देंगे, जैसे ही पेन सही होगा वापस से क्या कर देंगे, उसको स्टार्ट कर देंगे, बस ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो क्लैंप द कैथेटर फॉर फ्यू मिनट्स। नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों इसके अंदर, एडवांस द कैथेटर अप्रोक्सीमेटली 1 इंच। अरे भाई जितना आपने एडवांस कर दिया ये करा, और 1 इंच घुसेड़ दो आगे। अरे भाई और 1 इंच आप अंदर डालोगे ना तो म्यूकोसा जो इंटेस्टाइन की डैमेज हो जाएगी, इंटेस्टाइनल डैमेज हो जाएगी दोस्तों, उसके अंदर इंजरी होने के, ट्रोमा होने के क्या हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। तो ये गलती भी बिल्कुल मत करना, बस कुछ समय के लिए आपको उसको क्या करना है, रोकना है। क्लैंप करोगे कैथेटर को, मतलब बंद कर दोगे कैथेटर को कुछ समय के लिए फॉर फ्यू मिनट्स के लिए, और उसके बाद वापस स्टार्ट कर दोगे। तो लिख लो कोलोस्टोमी इरीगेशन में, अगर कोलोस्टोमी इरीगेशन के कारण अगर पेशेंट को कोलोस्टोमी इरीगेशन के कारण अगर पेशेंट को क्रैम्प्स फील होते हैं तो कैथेटर को कुछ समय के लिए क्लैंप कर देते हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो डिसकंटिन्यू टेम्पररी लिखा आएगा। अगर क्लैंप नहीं लिखा हुआ तो कुछ समय के लिए क्लैंप कर देते हैं तथा क्रैम्प्स के सबसाइड होने पर मतलब खत्म होने पर क्रैम्प्स के सब साइड होने पर वापस स्टार्ट कर देते हैं वापस स्टार्ट कर देते हैं। एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही दो छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपको हर चीज बता चुका हूं इसके बारे में। हाउ मेनी इंचेज शुड द नर्स इंसर्ट ए कैथेटर इनटू द स्टोमा व्हेन परफॉर्मिंग ए ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। ट्रांसवर्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मतलब ट्रांसवर्स कोलोन के अंदर हमने क्या बनाया है, स्टोमा बनाया है, तो ये ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी कहलाता है। अब ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी आप क्लाइंट के अंदर कर रहे हो तो ये कह रहा है कि भाई इरीगेशन कर रहे हो, तो हम 500 से 1000 ml NS या टैप वाटर लेकर उसको क्या कर रहे हैं, इरीगेट कर रहे हैं वहां पे हम, ठीक है, इवैक्यूएट कर रहे हैं, वहां के जितने प्रोडक्ट हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं और क्लीन करने का काम कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, इरिगेशन कहलाता है। अब आप इरिगेशन कर रहे हो तो ये कह रहा है कि जो जैसे यहाँ पर हमने फ्लूइड डाल दिया और यहाँ पर जो कैथेटर जो है ना दोस्तों उसको आप कितना इंसर्ट करोगे, ये जो कैथेटर है इसको कितना इंसर्ट किया जाएगा, तो ये जो कैथेटर है दोस्तों इसको हम कितना इंसर्ट करते हैं, 3 इंचेज इंसर्ट करते हैं। अगर आपको ऑप्शन में 3 इंच नहीं मिलेगा तो आंसर मिलेगा 3-4 इंच। अगर आपको ऑप्शन में 4 मिलता है तो उसको आप सही करके आओगे, ऑप्शन में अगर 4 मिलता है तो आप उसको क्या करके आओगे, सही करके आओगे, तो 3-4 इंच का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें लिख लो कोलोस्टोमी इरिगेशन में
कोलोस्टोमी इरिगेशन कैथेटर को स्टोमा में जो ओपनिंग बनाई है उसको स्टोमा कहते हैं, स्टोमा में 3-4 इंच इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये मत कह देना सर 6-8 इंच क्यों नहीं करते, भाई कम करोगे ना तो लीकेज होगा और अगर ज्यादा करोगे तो इंजरी होगी, क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है, इसलिए इतना किया जाता है। इसके बाद आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हेन टीचिंग इरिगेशन ऑफ ए कोलोस्टोमी, कि आप एक पेशेंट को क्या कर रहे हो दोस्तों, कोलोस्टोमी का इरिगेशन पढ़ा रहे हो, बता रहे हो कि कैसे किया जाता है, हाउ मेनी इंचेज अबोव द स्टोमा शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू प्लेस द कंटेनर। ठीक है, ये पेशेंट है दोस्तों, इसके यहां पर ये स्टोमा बनाया हुआ है, ये इस प्रकार से यहां पर बैठा हुआ है ऐसे मान लो, और यहां पर आपने इरिगेशन बैग टांग दिया इसको क्लीन करने के लिए, तो इसकी जो हाइट है ना वो कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जो बुक है ना उसके अंदर जो आंसर दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है या 12 इंच दे रखा है, जो कि क्या है दोस्तों गलत है। इसका जो राइट जो आंसर होगा वो कितना मिलेगा आपको, 45 सेंटीमीटर या 18 इंच मिलेगा। अब आपको सर आप गलत क्यों बता रहे हो, जब बुक के अंदर दे रखा है यहां पर तो गलती भी नहीं है, तो ये इनके खुद का ही खुद की थ्योरी पढ़ो आप, इनकी जो खुद की जो थ्योरी है वो क्या कह रही है ये देखो आप, यहां पे ये खुद थ्योरी में कह रहे हैं कि जो इरिगेटिंग कंटेनर की जो हाइट होती है ना दोस्तों वो कितनी होनी चाहिए, 12 से और 18 इंच होनी चाहिए, 12 से 18 इंच। अब आप एक मतलब बताओ, यहां पर आंसर 12 से 18 इंच आना चाहिए क्या, तो 12 आना चाहिए 18 आना चाहिए, तो 12 भी आना चाहिए और 18 भी आना चाहिए, तो वैसे भी गलत नहीं है। ठीक है, तो यूजुअली जो है बाकी की जो बुक्स हैं दोस्तों उनको भी अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर सब के अंदर जो राइट जो आंसर माना गया है वो क्या माना गया है, 18 इंच माना गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 18 इंच होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि मैं जानता हूं कि बुक के अंदर जो आंसर दे रखा है वो 30 इंच दे रखा है, मुझे पता है ये बात। आप कमेंट में प्लीज मत लिखना कि सर इसका आंसर ये आएगा, मुझे पता है कि इसका आंसर जो बुक है उसमें 30 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 इंच दे रखा है, लेकिन हमें इसका आंसर जो है दोस्तों वो 45 सेंटीमीटर या 18 इंच मानना है अगर आपको अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को राइट करना है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो इसमें लिख लो, तो लिखो कोलोस्टोमी इरिगेशन बैग की हाइट कोलोस्टोमी इरिगेशन बैग की हाइट स्टोमा से 18 इंच या 45 सेंटीमीटर ऊपर होनी चाहिए, स्टोमा से 18 इंच या 45 सेंटीमीटर अबोव होनी चाहिए। ठीक है, इसमें 30 मत करना आप, यही करके आना। अब एक बार मैं सबको वापस से रिवाइज करवा देता हूं जो भी चीज हमने पढ़ी है अभी तक, तो इसका आंसर हो गया कि जो क्लीन करने के लिए जो बैग लटकाया जाता है उसकी हाइट कितनी रखेंगे, 18 इंच रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई कैथेटर को कितने इंसर्ट करेंगे, तो 3-4 इंच करेंगे, हम 4 इंच मानते हैं, इस बुक में 3 दे रखा है, वैसे 7-8 सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, 3-4 इंच इसका आंसर राइट होगा। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई आंसर में, वहां तो आंसर में प्रॉब्लम आ गई थी। अगर आप इरिगेशन करवा रहे हो किसी भी क्लाइंट के अंदर, उसको क्रैम्प्स फील होने लग गए तो आप कुछ समय के लिए उसको बंद करोगे, तो क्लैंप कर दोगे, वापस से क्या कर दोगे, कंटिन्यू। अगर टेम्परेरी डिसकंटिन्यू लिखा हुआ है तो ठीक है, बट इसमें लिखा हुआ है कि डिसकंटिन्यू द इरिगेशन, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो राइट स्टेटमेंट यही हो जाएगा इसका। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि भाई अगर जो क्लाइंट है कोलोस्टोमी के बाद आपसे ये पूछता है कि भाई मेरे सेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप उसे कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सिंपल है, सेक्सुअल रिलेशनशिप कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खाना खाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा। ठीक है, एक्टिविटी भी लगभग नॉर्मल जो यूजुअल एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर सकता है, बस थोड़ा सा बाउल एक्टिविटीज को क्या करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि भाई ये ऊपर कोलोस्टोमी नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखना नेजो इंटेस्टाइनल जो ट्यूब है दोस्तों उसकी अगर आपको पेटेंसी एंश्योर करनी है तो आप क्या यूज करोगे, तो आइसोटोनिक जो सेलाइन है वो यूज किया जाएगा, आइसोटोनिक सेलाइन यूज किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, जो न्यूट्रिशन है वो कैसा दिया जाएगा कोलोस्टोमी के क्लाइंट को, तो नॉर्मल एज यूजुअल, एज क्लोज टू यूजुअल एज पॉसिबल, बस वैसा ही। इसके बाद में दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोलोस्टोमी किसी भी के अंदर भी बना दी तो जो स्टोमा है उसको डायलेट करना जरूरी है, तो ग्लव्स पहन के हाथ में फिंगर से जेली को अप्लाई करके उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, डायलेट करते हैं पीरियडिकली, कुछ कुछ समय भी इसको डायलेट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया,
एक बार इनको भी देख लो वापस से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिटिंग पोजीशन में दे सकते हैं वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठे हुए इसको, अगर हमने एक दिन में एक बार इरीगेशन करते थे, अगर एक से ज़्यादा बार इरीगेशन करेंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस कोच कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस कोच करेगा। इसके बाद में दोस्तों कब देना चाहिए, हमेशा सेम टाइम पे देना चाहिए, और एक क्वेश्चन ऐसे दे भी रखा है कि भाई ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद देना चाहिए, ताकि हमें एक प्रॉपर शेड्यूल बने और एक गेस्ट कॉलिंग जो रिफ्लेक्स उसका भी क्या मिले, हमें बेनिफिट मिले। एक क्वेश्चन है इंसर्शन कितना चाहिए, 3 से 4 इंच। टेम्परेचर जो फ्लूड जो टांग रहे हैं इरीगेशन के लिए 106 से 105 डिग्री फारेनहाइट होना चाहिए। और फास्ट इंक्लूजन क्या क्या कोज कर सकता है, क्रैम कोज कर सकता है। मिनिमम टाइम कितना है, 20 मिनट्स का है। और कैथेटर जो है दोस्तों उसके अंदर जो जेली यूज करेंगे वो वाटर बेस्ड। मैं आशा करूँ कि वो रट गए होंगे अब तो, ही कम से कम मैं इतनी बार बता दिया, अब आपको रट जाने चाहिए, अब मत कह देना कभी मुझे नहीं हो रहा। किस चीज़ से इरीगेशन करेंगे, एनएस या टैप वाटर से इरीगेशन कर सकते हैं, 500 से 1000 ml के अमाउंट क्या करते हैं यूज करते हैं। और इरीगेशन को स्टार्ट कब करेंगे, पहली बार इरीगेशन कब करेंगे, ये कहना चाह रहा है ये, पहली बार इरीगेशन कम से कम 7 दिन के बाद करेंगे सर्जरी के, ठीक है। अब यही वो क्वेश्चन था दोस्तों कि भाई आप कोलोस्टोमी कर रहे हो, कोई क्लाइंट है, फुल टाइम जॉब है, मतलब फ्री है वो तो चलो कर लो भाई, वो तो खाना खाने के बाद भी कर सकता है, लंच के बाद भी कर सकता है, वो तो उसमें गेस्ट्रोकोलिक का भी फायदा मिल जाएगा, शेड्यूल भी बन जाएगा। बट जो व्यक्ति फुल टाइम जॉब कर रहा है उसके लिए अच्छा टाइम क्या है, अप्रोक्सीमेटली हाफ आवर आफ्टर ब्रेकफास्ट, उसमें दोनों को से क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों ये था कि पेशेंट है अल्सरेटिव कोलाइटिस का, पास्ट सेवरल ईयर से उसको एग्जर्बेशन हो रहा है, ट्रीटमेंट उसका मतलब उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो लास्ट जो ट्रीटमेंट वो क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोक्टोकोलेक्टोमी कर देते हैं क्लाइंट के अंदर। तो यही हमारी आज की छोटी सी क्लास थी, कल मैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को आपको खत्म करवा दूंगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको सबको अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, और फिर अगले सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।